भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ गंगा घाट पर रविवार को सिंह इतवार के मौके पर गंगा स्नान के लिए आई भीड़ के दौरान एक गंभीर घटना घट गई। गंगा स्नान के दौरान श्यामबाग की रहने वाली दो मौसेरी बहनें मोनी देवी और खुशी कुमारी डूबने लगी। उसी वक्त मंदिर परिसर में तैनात दो जावाद सिपाही मान सिंह और कुश कुमार यादव ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को बचा लिया, जिसके बाद सिपाहियों की सतर्कता से दोनों को डूबने से बचा लिया गया और उन्हें तुरंत रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की स्थिति सामान्य बताई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और अपनी बेटियों की सुरक्षित स्थिति देखकर राहत की सांस ली। परिजनों ने बहादुर सिपाहियों का धन्यवाद करते हुए उनके साहस और त्वरित कार्रवाई की सराहना की। किस तरह बच्चे के जान बचाया? ये हमको भैया ले कर दिया, हम लोग ड्यूटी कर रहे थे पुल पे, जो ठीक है मंदिर के पास पुल है उस पर ड्यूटी कर रहे थे, जब ले कर दिए बोले कि भैया ऐसे से बात है, हम इस लड़के को उठाए कंधे पर, उसके बाद मार्केट से बाहर निकाले, बाहर निकाल कर उसके बाद टेम्पो किए, टेम्पो करने के बाद फिर रेफर हॉस्पिटल ला के हमको लड़के को भर्ती है, डॉक्टर साहब आए चेक किया, लड़की ठीक है। मंदिर जो है वहाँ पर जो घाट है श्रेणी घाट, वहाँ पर ये लोग सब फैमिली के साथ में स्नान कर रहे थे। आज सिंह जुतिया है कोई पर्व इतवार है, इसमें पूरा भीड़ वगैरह लगा हुआ था, तब तक हम लोग भी वहीं पर थे तो सूचना मिला कि दो महिला डूब रही है। तत्काल वहाँ गए दौड़ करके लोग दोनों आदमी को बाहर निकाले, वहाँ से कंधा पर उठा करके अपना DMP के मदद से लाए, वहाँ से कंधे से उठा करके रोड पे, फिर वहाँ से टोटो के माध्यम से और 112 को थाना पर तब तक आ गया था। 112 का भी एक गाड़ी में लोड किए, एक महिला को टोटो में बैठाए हम लोग और लेकर के अपना हॉस्पिटल में रेफर हॉस्पिटल में लेकर के आए हैं। अभी इन लोग का हालात सही है। क्या नाम आपका? हमारा नाम सिपाही 1104 मान सिंह हुआ। भागलपुर में अगवानी पुल का निर्माण प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार का एक खतरनाक उदाहरण बन गया है। यह पुल जो करोड़ों की लागत से बनाया जा रहा है, पिछले दो वर्षों में 3 बार धराशायी हो चुका है और इसमें कोई मजबूती नहीं दिखाई दे रही है। लोगों के लिए यह पुल मौत के साए में एक खतरनाक सफर बन गया है, लेकिन इसके बावजूद यह सुल्तानगंज से खगड़िया को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता होने के कारण उनके पास इसे इस्तेमाल करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। बता दें कि पुल का निर्माण SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिन पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पुल के बार बार गिरने के कारण लोगों का इस पर से भरोसा भी उठते जा रहा है। इसके बावजूद पुल के बगल से नौका का परिचालन हो रहा है, जहां नावों पर निर्धारित संख्या से दोगुनी यानी 120 से अधिक लोगों को सवार करके जोखिम भरा सफर कराया जा रहा है। अगर पुल फिर से गिरता है तो यह एक बड़ा हादसा हो सकता है, जिसमें सैकड़ों जाने जा सकती है। प्रशासन की इस लापरवाही ने लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रविवार से नेत्रदान पखवाड़ा की शुरुआत हो गई, जो 26 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्रों ने एक रैली का आयोजन किया। रैली को लेकर मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार भगत ने बताया, जो व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है वह मेडिकल कॉलेज में आकर या अपने परिजनों के माध्यम से फॉर्म भर सकता है। उन्होंने कहा कि नेत्रदान करने वाले लोग समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत लोग को दिखाई नहीं देता है, बाद में भी आँख की जरूरत पड़ती है, तो अगर नेत्रदान करके रहते हैं, रखा रहेगा मेरे पास, अगर किसी को जरूरत होगी तो उसको दिया जा सकता है, जिससे कि देख सकता है आगे। भागलपुर के बीरपुर प्रखंड में दर्जनों अवैध क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड एक्सरे केंद्र बिना रजिस्ट्रेशन और अप्रशिक्षित कर्मियों के सहारे धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। हाल ही में जिलाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के ANM और आशा कार्यकर्ताओं को सभी अवैध क्लिनिक और जाँच केंद्रों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया था, जिसे जिला प्रशासन को भेजा गया है।
जानकारी के अनुसार बीरपुर प्रखंड में लगभग 14 अनरजिस्टर्ड क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, जिनमें कई नाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लिस्ट में भी नहीं है। इनमें से एक उदाहरण माँ योगमाया हॉस्पिटल और मेटर्निटी सेंटर है, जो बिना डॉक्टर और प्रशिक्षित कर्मियों के धड़ल्ले से डिलीवरी के मामले देख रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस पर सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है और सिविल सर्जन को कार्रवाई करने के लिए कहा है। साथ ही सभी डॉक्टरों को अपने क्लिनिक का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है। और लिस्ट में सिविल सर्जन को कार्रवाई के लिए बोला गया है, और जो अनरजिस्टर्ड लोग थे और जहाँ चिकित्सक डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश IMA को भी दिया गया था और इन लोगों को भी दिया गया था। बहुत जल्द इसमें अग्रतर करवाएंगे। भागलपुर में भारत विकास परिषद की सत्यम शाखा द्वारा राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दरअसल यह प्रतियोगिता भागलपुर के एक निजी होटल में आयोजित की गई, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर संस्था के पर्यवेक्षक अभिषेक कुमार, मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन सिंह, विशिष्ट अतिथि मुकेश कुमार और रतन संथालिया के द्वारा किया गया। इस समूह गान प्रतियोगिता में भागलपुर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को लेकर डॉक्टर पंकज टंडन ने बताया कि इस तरह का आयोजन पूरे देश में हो रहा है और भागलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में 7 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। भारत विकास परिषद सत्यम शाखा के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 7 स्कूल के बच्चे यहाँ पर भाग लिए हैं, जो सेवा संस्कृति को पूरे देश में किस तरह से भारतीय संस्कृति को हम लाएं, जिसकी की आज देश को जरूरत है, उसके लिए हमारा ये भारत विकास परिषद कार्यक्रम प्रांतीय स्तर पर ये कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें भाग लेने के बाद जो विजयी उम्मीदवार होंगे यहाँ से, उनको हम लोग प्रांतीय स्तर पर पटना में कार्यक्रम होगा, उससे चुने जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होता है। तो इससे देश में एक अलग माहौल उत्पन्न होता है और हम लोग शांति संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। इसी उद्देश्य के संग ये भारत विकास परिषद कार्य करता है, जो भारतीय परंपरा के अनुकूल आज की आवश्यकता के हिसाब से है।